30 से 45 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। ये सिंपल इंस्ट्रक्शन सभी के लिए, 28 लोगों से जो आप बात करेंगे उन्हें ये चीज़ कन्वे कर दीजिए, इससे बड़ा हमारा कंडा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आसपास उसके सामने जैसे आरती होती है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके वही एरिया अपना, जहाँ लोग थोड़ा दूर दूर हटकर खड़े हो सकें, और सब अपने वहाँ पे मास्क का, सैनिटाइजर का, और जो भी जो अपनी बेसिक चीज़ें हैं कोविड काल को जो हम मार्केट में भी फॉलो करते हैं उस चीज़ को, वही चीज़ हमें गणेश चतुर्थी के पंडाल के सामने भी फॉलो करनी है। आकार सबको ये क्लियर हो गया मैंने, इससे बड़ा आकार पंडाल का नहीं होगा। तो मुझे लगता है परसों की तैयारी तो इन चीज़ों में हो गई है। अब जो बात आप बोल रहे हैं ग्यारस की, ग्यारस में और दूसरे दिन उसके जो निकलेगा समारोह और भगवान जी जाते हैं एक दिन निकलते हैं, उसमें दो चीज़ें इस वाले से मैं आपको पढ़ के भी सुना दे रही हूँ। नंबर 4 ये कहता है, कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक और सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमति नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब लेकिन चल समारोह बड़े स्तर पर जैसे निकलता था, जैसे हम शुरू में देखते थे सब लोग जा रहे हैं नाचते गाते गणेश जी को विसर्जन करते हैं, वैसा नहीं कर पाएंगे। उसमें इन्होंने हमें एक और पॉइंट 2 इसमें रेलेवेंट है, मूर्ति का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। अनुमति आयोजकों द्वारा पृथक से अपने अपने क्षेत्र के अधिकारी से लिखित अनुमति से लिखित में अनुमति लेनी होगी। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। मान लीजिए जो मतलब जो भी मन की वजह से बता रहे थे, देवता जी को ले जाते हैं मंदिर से ले जाते हैं, तो उसमें ले जाए वो अपना धार्मिक कार्य करें, तो उसमें अधिकतम 10 व्यक्तियों की सीमा रहेगी। ये ग्यारस के दिन होता है, मुझे बताया ग्यारस के दिन हम ये चीज़ नोट कर लेंगे। अब प्रत्येक जो भी मंदिर है उनको ये चीज़ कन्वे कर देंगे कि आप ले जाएँ अपना काम करें, लेकिन उसमें मैक्सिमम 10 लोग ही, उससे ज़्यादा व्यक्ति अलाउड नहीं। एंड दिस गोज ऑल्सो विद विसर्जन, विसर्जन में भी जिसको भी जाना है वो 10 व्यक्तियों से ज़्यादा अलाउड नहीं। विसर्जन स्थल आप थोड़ा मुझे इलाके बताओ।